मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब की रेड बटन दबाएं, बाद में आपको एक घंटी मिलेगी, उस घंटी को दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, जो आज का मेरा वीडियो है वो है हेयर कलर के बारे में। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं अपने घर पर ही अपना हेयर कलर करवाऊँ। मेरे जो हेयर है वो नेचुरली ब्लैक कलर के हैं और मैं चाहती थी कि ब्लैक के अलावा कुछ यू नो अदर कलर में करवाऊँ। तो मैंने सोचा कि बर्गंडी कलर करने के बारे में, अपने बालों को बर्गंडी कलर करने के बारे में, क्योंकि बर्गंडी कलर बहुत ही नेचुरल लुक देता है। यू नो, अगर आप इंडोर हो तो वो यू नो ब्लैक ब्लैक ही फिट देता है, बट जब आप सनलाइट में हो या फिर कुछ लाइटिंग में हो तो वो आपके बालों में हल्का सा रेडिश और बर्गंडी यू नो ऐसी शाइन देती है। तो वो कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं बर्गंडी कलर ही करूँगी अपने बालों को कलर करने के लिए। तो उसके लिए मैंने परचेस किया है ये वाला गार्नियर का बर्गंडी कलर। ये है गार्नियर का कलर नेचुरल क्रीम रिच नरिशिंग परमानेंट हेयर कलर। और ये अमोनिया फ्री है, इसमें अमोनिया नहीं है। जो कलर अमोनिया फ्री होते हैं वो बालों के लिए सेफ समझे जाते हैं, तो ये बिल्कुल अमोनिया फ्री है। और ये 8 वीक्स कलर लॉक और 8 वीक्स तक आपके कलर यानी जैसा कलर है वैसे रहने की गारंटी देता है। ये 8 वीक्स तक यानी लगभग 2 महीने ये आपके यू नो कलर जैसे थे वैसा रहेगा 8 वीक्स के लिए। तो इसमें 100 और कहता है कि 100% ग्रे कवरेज यानी आपके जो सफ़ेद बाल है उसको 100% ये आपके बालों को कवरेज देगा। और इसका कलर नंबर है 3.16 आपको उल्टा दिख रहा है, पर इसका 3.16 बर्गंडी है। और इसके साथ मुझे मिला है कॉलरंट, ये है ग्रीन कलर का, इसे बोलते हैं कॉलरंट। और दूसरा है डेवलपर। और इसके साथ मुझे मिला है ये हैंड क्लोज मिले हैं जो कि रहता ही है। और भी मिले मुझे ये वाले 2 कंडीशनर जो कि हेयर कलर करने के बाद आपको लगाने हैं। तो मेरे बालों के हिसाब से मुझे 2 टाइम तो हो ही जाएंगे। तो यहाँ पे ये अगर आप अपने बालों के हिसाब से इसको मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमको मैच यानी मिक्स एंड मैच कैसे करना है, इसका हाफ और इसका हाफ यानी इसका रेशियो होना चाहिए 1:1। अगर आप जिसकी दोनों की क्वांटिटी आपको सेम ही लेना है इस कॉलरंट और डेवलपर की, तो इस हिसाब से मेरे बाल शोल्डर लेंथ है तो मैं इसका हाफ हाफ ही लूँगी। अगर आपके बाल लंबे हैं कमर तक है तो शायद आपको ये पूरा ही लग जाएगा, तो मैं इसका हाफ हाफ ही यूज करूँगी। तो इसके साथ ये 2 ग्रीन कलर के कलरन और डेवलपर मिले हैं। तो हाउ टू यूज़, यहाँ पर पूरी इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए कि आप कैसे यूज कर सकते हो इस हिसाब से, कैसे किस तरह से आपको मैच मिक्स एंड मैच करना है ये दोनों कलर और डेवलपर, ये पूरा दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब हेयर कलरिंग। सबसे पहले मैं इन दोनों को इनके यू नो हाफ हाफ क्वांटिटी लूँगी यानी इक्वल क्वांटिटी 1:1 दोनों की क्वांटिटी लूँगी और इसका एक मिश्रण बनाऊँगी, इनका एक मिक्सर बनाऊँगी पहले बालों को अप्लाई करने से पहले। और एक बार ध्यान में रहेगा कि आपके बाल धुले हुए होना चाहिए, बिल्कुल साफ बाल होना चाहिए, बालों में ऑयल नहीं होना चाहिए, बालों में डर्ट नहीं होना चाहिए। आपके जो धुले हुए बाल है बाल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक इंस्ट्रक्शन होती है कि पैच टेस्ट, अगर आपको कलर से लेकर या फिर कुछ की भी अगर एलर्जी हो तो आप इसे 24 यानी एक दिन पहले आप पैच टेस्ट कर सकते हो अपने नेक पर। अगर आपको कोई एलर्जी नहीं तो आप इसको डेफिनेटली कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं ये वाला मिक्स एंड मैच करके। तो
पहले आपको क्या लेना है, सबसे पहले आपको लेना है एक प्लास्टिक की बॉल लेना है, आपको मेटल की या फिर कोई और बॉल नहीं लेनी है, आपको सिर्फ प्लास्टिक की बॉल लेनी है और उसमें आपको 1:1 प्रोपोर्शन में कलर कलरंट और डेलोपन मिक्स करना है। आपको इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, अच्छी तरह से मिलाकर दोनों का ही एक अच्छा स्मूथ पेस्ट बनाना है। आप मिलाने के बाद उसका कलर थोड़ा सा बर्गंडी आपको दिखाई देगा, तब तक आपको अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे बाल भी नेचुरल ही ब्लैक कलर के हैं, बहुत ही ब्लैक कलर है मेरा बालों का। और अगर आप सोच रहे हो कि मेरे बालों का कलर जो कि पैकेजिंग पर दिखाई दे रहा है वैसा ही होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं अपने बालों को ब्लीच नहीं कर रही हूँ या फिर मेरे बाल ग्रे भी नहीं है। ब्लीच वाले बाल या फिर ग्रे बालों पर कोई भी कलर अच्छे से सेट होता है, पर आपके बाल नेचुरली ब्लैक हो तो उस पर उतना यू नो कलर की इंटेंसिटी नहीं दिखाई देती। हाँ, पर आपके बाल आपके पास नेचुरल ही दिखाई देंगे, पर आप जब घूमने जाओगे या फिर कुछ लाइट आपके बालों पर पड़ेगी तो हल्का सा बर्गंडी या फिर रेडिश आपके बालों से एक शाइनी कलर दिखाई देगा। और मैं बिल्कुल वैसा ही कलर चाहती थी, मैं अपना बालों का नेचुरली ब्लैक कलर चेंज नहीं करना चाहती थी, मुझे सिर्फ थोड़ा सा यू नो एक इफेक्ट चाहिए था बर्गंडी का, तो वो उस हिसाब से मैंने ये कलर चूज किया है और अपने बालों को ये अप्लाई कर रही हूँ अभी। और आपको अप्लाई करने के लिए छोटे छोटे सेक्शन देना है अपने बालों को, बालों के और ब्रश के हिसाब से पहले अप्लाई करना है, फिर अपने हाथों से उसको फैलाना है। और आप चाहे तो कंघी भी ले सकते हैं, कंघी से अपने बालों को कॉम करके आप इवनली वो हेयर कलर स्प्रेड कर सकते हैं। कंघी से तो बहुत अच्छी तरह से स्प्रेड होता है हेयर कलर। और मैं अब यहाँ पर अपने हेयरलाइन को भी अच्छी तरह से कलर लगा रही हूँ, और मैं इसको लगाने के बाद फिर से कॉम करूंगी। अब मैंने अपने पूरे बालों में कलर ये मिक्सचर लगा लिया है, और मैं अपने बालों को पूरे बालों को कॉम कर रही हूँ एक साथ, ताकि जो भी मैंने कलर मिक्सचर अप्लाई किया है वो इवनली स्प्रेड हो जाए मेरे पूरे बालों पर। और दोस्तों इसको आपको रखना है कम से कम 30 मिनट ऐसे बंद कर, मैंने अपने बालों को बंद किया है, और इससे 30 मिनट तक आपको ये हेयर कलर अपने बालों में रखना है, और फिर बालों को धोना है, इसे प्लेन वाटर से धोना है, शैम्पू नहीं करना, और कंडीशनर जो आपको दिया है उससे उसी कंडीशनर से आपको अपने बालों को लगाना है। फिर मैंने अपने बाल धो लिए है, अब मैं और थोड़े सूखी चुके हैं, अब मैं अपने बालों को कर रही हूँ ब्लो ड्राई, क्योंकि मेरे बाल धोने के बाद बहुत ही अनरूली हो जाती है, तो उसे टेम करने के लिए मैं अपने बालों को हल्का सा ब्लो ड्राई कर रही हूँ ताकि वो थोड़े मैनेजेबल हो जाए। और आप देख सकते हो कि मेरे बाल अब कैसे दिख रहे हैं, शायद आपको ये कलर उतना ही प्रोमिनेंट नहीं दिखाई दे रहा होगा जितना कि पैकेजिंग पे होता है। मैंने पहले ही बता दिया था मेरे बाल बहुत काले थे और काले पर इतनी कलर की इंटेंसिटी नहीं आती, पर फिर भी आप धूप में जाओगे या फिर लाइट में आपको दिखाई देगा, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट थोड़ी मेरे बालों पर शाइन भी दिख रही है और मेरे बाल स्मूथ भी लग रहे हैं मुझे काफ़ी, तो आई एम हैप्पी विद दैट। आप ट्राई कर सकते हो, आप देख सकते हो थोड़ी बहुत शाइन दिख रही है, अगर मैं धूप में जाऊँगी तो ये बालों पर दिखाई देगा। मैं धूप पर नहीं गई क्योंकि मैंने ये शाम के टाइम को मैंने ये वीडियो शूट किया था, तो आप देख सकते हो कैसा इफेक्ट आया, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आपको हल्का सा चाहिए तो।